हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्नेल एनिमल के बारे में जिसे हिंदी में घोंगा भी कहते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं स्नेल एनिमल्स के बारे में जिसे हिंदी में घोंगा कहते हैं। स्नेल एनिमल एक बहुत ही मुलायम और धीरे धीरे चलने वाला जीव होता है। स्नेल एनिमल मोलस्का गण का प्रजाति का प्राणी होता है। ये हमेशा घास के मैदान, बगीचे, जमीन, पानी वाली जगहों पर, पेड़ों, पौधों, नमी वाली जगहों पर, नदी, तालाब, चट्टानों, दीवारों तथा पत्थरों पर तथा समुद्र में और पूरे विश्व में पाया जाता वाला जीव है। तथा पूरे विश्व में स्नेल एनिमल की 80,000 से 86,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। और सभी स्नेल एनिमल के आकार अलग अलग होते हैं। कुछ बहुत बड़े तो कुछ बहुत छोटे होते हैं। तथा समुद्री स्नेल एनिमल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तथा स्नेल एनिमल के नरम शरीर पर पीठ के ऊपर एक खोल होती है। तथा यह खोल बहुत ही कठोर होती है। तथा जब यह खतरा महसूस होता है तो यह अपने आप को इस सुकोड़ लेते हैं। और स्नेल एनिमल एक रात्रि में ही घूमने फिरने वाले प्राणी होते हैं। स्नेल एनिमल की खोल का आकार उनके प्रजाति पर ही निर्भर करता है। तथा जब यह सूर्य की रोशनी पर आते हैं तो यह अपने शरीर को खोल से बाहर निकाल लेते हैं। तथा स्नेल एनिमल का खोल सर्पिल और किसी का सपाट होता है। तथा स्नेल एनिमल एक जीवन काल 8 से 10 वर्ष तक का होता है। तथा कुछ स्नेल एनिमल शाकाहारी होती है तो कुछ मांसाहारी सर्वाहारी भी होती है। स्नेल एनिमल का मुख में बहुत सारे दांत होते हैं तथा जिससे संख्या हजारों में होती है। तथा स्नेल एनिमल का शिकार सांप, मेंढक, पक्षी और बड़े समुद्री जीव भी कर लेता है। स्नेल एनिमल के शेर पर 2 एंटीने जैसे समूह मुझे होती है तथा जिससे कारण उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। स्नेल एनिमल अपनी जीभ से लार जैसे शरीर पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है और जो जहाँ भी जाती है उसी जगह पर वह चिपचिपा पदार्थ छोड़ती जाती है। तथा यह अपने खाने के पीछे पीस कर खाती है। तथा स्नेल एनिमल के गलफड़े होते हैं तथा जिसके कारण यह पानी में भी सांस ले सकती है। स्नेल एनिमल की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वह खोल कठोर होता है। इसके शरीर में तो कोई भी हड्डी नहीं होती। स्नेल एनिमल 1 इंच से लेकर 15 इंच तक भी हो सकती है। तथा प्रजाति पर निर्भर करता है। स्नेल एनिमल में भी नर और मादा दोनों होते हैं। कुछ भूरे, सफ़ेद और ग्रे अलग अलग रंगों के होते हैं। मनुष्य भी इनके खाना बहुत ही पसंद करते हैं जिसके कारण इनका शिकार बहुत तेज़ी से होता है। इन्हें सिया फूड और सिया एनिमल फूड डिश के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज़ सेव एनिमल, सेव वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।